हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऑटो रिक्शा के टायर के लाइन अलाइनमेंट के बारे में बताएंगे, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप किलोमीटर गाड़ी का चला पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट टायर प्रेशर का, टायरों के अंदर प्रेशर पूरा रखें, लोड कम डालें, लाइन अलाइनमेंट चेक करें। रोड की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, ब्रेकिंग सिस्टम पर भी करता है। तो ये इसके अंदर एक स्पेयर टायर होता है जिसको स्टेपनी बोलते हैं, ऑटो रिक्शा के अंदर स्टेपनी टायर होता है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश टायर है, बिल्कुल नया टायर है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट टायर है जिसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। ये देखिए आप, बिल्कुल दोनों सिरों से बिल्कुल सही घिसा हुआ है ये टायर, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम नहीं घिसा हुआ है। क्योंकि ये फ्रंट टायर, ये देखिए टायर रोटेशनल होता है, हर एक ऐप पे अल्फा 4500 या 5000 किलोमीटर के बाद आपको पिछले जो टायर हैं उनकी साइड को चेंज रोटेशनल करवाना चाहिए, ठीक है, उनको चेंज करवाना चाहिए। ये देखिए इसका जो राइट साइड का टायर है, ये देखिए इसके दो हर 5000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाया गया है। इसकी कंडीशन देखिए आप, बिल्कुल सही दोनों साइडों से घिसा हुआ, बराबर इक्वल घिसा हुआ है टायर। इसकी कंडीशन देखिए कितनी बहुत अच्छी है अभी तक, ठीक है। तो इसके टायर जो है वो सीधे नहीं होते, थोड़े टेढ़े होते हैं। ये इसका लेफ्ट वाला टायर है, ये देखिए आपने इसकी रोटेशन हमने 10000 किलोमीटर से चेंज नहीं करवाई है। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड का जो टायर अंदर की साइड का देखिए ज़्यादा घिस गया है, क्योंकि इसका आपको पता है कि टायर जो है सीधे नहीं होते, थोड़े तिरछे चलते हैं, एंगल में चलते हैं। तो अभी इस कारण से टायर घिसा हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये कंडीशन है इसके टायर की। अभी आगे से भी आपको दिखाएंगे, ये इसका राइट साइड का टायर है जहाँ से पैसेंजर चढ़ते हैं। तो टायरों की रोटेशनल बहुत ज़रूरी है अगर आपको टायर ज़्यादा किलोमीटर चलाने हैं। तो ये देखिए टायर की कंडीशन, अभी तक हमने इसकी कंडीशन को मेंटेन रखा है। कई देखो ऑटो वाला, ये देखिए 49268 किलोमीटर यानी लगभग 50000 किलोमीटर के करीब ये टायर चल चुके हैं, जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, अभी और भी चलेंगे।